हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ESR टेस्ट के बारे में। ESR मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडमेंशन रेट। इरिथ्रोसाइट मतलब कि हमारी जो खून की लाल कणें हैं, जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका सेडमेंशन रेट मतलब कि वो जो ट्यूब होती है, वो जो पिपेट होती है उसके नीचे बैठने का जो दर होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडमेंशन रेट। ये कैसे होता है, इसको कैसे करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले, ये जो टेस्ट है वो खून की जांच का टेस्ट है और शरीर में कहीं पे सूजन या फिर संक्रमण इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हमने आगे के वीडियो में CRP टेस्ट को डिस्कस किया है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, तो वो भी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को इंडिकेट करता था। और तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दोनों सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं हम। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब कि हाल ही का इन्फेक्शन है, हाल ही में आप बीमार पड़े हो, तो आप CRP टेस्ट करवा सकते हो। क्योंकि CRP जो होता है वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है, मतलब कि अगर आप में आपके शरीर में इन्फेक्शन लगा है, कहीं पे सूजन की कंडीशन बनती है, तो उसकी वजह से वो पहले रिएक्ट करता है। दूसरी चीज़ कि आप ESR टेस्ट जो है वो क्रोनिक लंबे समय की बीमारी के लिए आप करवा सकते हो। मतलब आपको समझ में आ गया कि CRP टेस्ट है वो एक्यूट कंडीशन में करवाने चाहिए और ESR टेस्ट है वो क्रोनिक कंडीशन में करवाना चाहिए। दोनों ही टेस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये अगर ये दोनों पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो ये हो सकता है। आप एग्जैक्टली उसको नहीं कह सकते हो कि इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि शरीर में कहीं पे सूजन की कंडीशन है या फिर इन्फेक्शन संक्रमण लगा है आपको वो। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि जो ESR टेस्ट होता है वो कैसे करते हैं। तो इसकी दो मेथड रहती है ज़्यादातर, एक होती है वेस्टरग्रेन मेथड और दूसरी है विंट्रॉप मेथड। जो वेस्टरग्रेन मेथड है वो आइडियल है। तो ये कैसे करते हैं, तो इसमें खून जो है वो एंटीकोगुलेंट वाली, मतलब कि खून को जमने ना दे वैसे पदार्थ वाली जो ट्यूब होती है उसमें खून लेना रहता है, फिर बाद में उसको पिपेट में, ऐसी वेस्टरग्रेन पिपेट आती है तो उसमें भरना रहता है, और बाद में उसको ऐसा स्टैंड आता है जिसके ऊपर रख के फिर एक घंटे तक उसको ऑब्जर्व करना रहता है। उसको एक घंटे तक देखना रहता है, तो उसमें हमें क्या पता चलता है, तो जो खून का लेवल है और जो फ्लूड होता है, अभी नॉर्मली क्या रहता है कि हमारा जो खून है वो दो हिस्सों से बनता है। एक होता है प्लाज्मा, मतलब कि तरल पदार्थ से बनता है, फ्लूड से बनता है, और दूसरा होता है सेल्स, जिसमें हमारे रक्त कण आते हैं, श्वेत कण आते हैं, और खून को जमाने वाले जो कण रहते हैं, प्लेटलेट्स, वो सब आते हैं। तो ऐसे दो भागों से बनता है हमारा खून। जो रक्त कणिका होती है वो थोड़ा नीचे की ओर ऐसे सेडिमेंट होती है, नीचे की ओर जाती है, तो उसको देखना रहता है एक घंटे में कितना नीचे गया, तो उसको देखना रहता है, उस दर को देखना रहता है, तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडमेंशन रेट। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो नॉर्मली बात करें तो मेल में रहती है 0 से 15 mm प्रति घंटे, और फीमेल में रहती है ये 0 से 20 mm प्रति हवर। तो ये नॉर्मल रेंज है। अभी ये जो रेंज है वो अलग अलग रह सकती है, आपकी रिपोर्ट में जो रेफरेंस रेंज है उसे आप देख के उसको उसके साथ में कंपेयर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। और एक बात की जो रेफरेंस रेंज होती है वो लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी अलग अलग रह सकती है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि ये बढ़ा हुआ किस में मिल सकता है, ESR बढ़ा हुआ किस में मिल सकता है, मतलब कि उसको ज़्यादा समय किन में लगता है नीचे बैठने में, सेडिमेंट होने में ज़्यादा समय किस में लगता है। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, TB की कंडीशन है, उसके अलावा देखें तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी की कंडीशन है, शरीर में कहीं पे सूजन है और वो भी लंबे समय की है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ESR बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो ESR जो है वो ऑटोइम्यून डिसीज़ जो होते हैं, मतलब खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, वैसे रोग होते हैं, तो वो रोगों में भी यहाँ पे ये एक मार्कर है, मतलब कि अगर ये ESR बढ़ा हुआ मिलता है तो वो ऑटोइम्यून डिसीज़ को भी इंडिकेट करता है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस जो ऑटोइम्यून होता है वो। उसके अलावा देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो उसमें भी ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो और भी कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिल सकता है।
तो उसमें एक्टिव इन्फेक्शन में बात करें तो सिफिलिस जो होता है उसमें भी यहाँ पे अगर सिफिलिस का आपको एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आप में ESR बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ESR बढ़ा हुआ किन में मिलता है? तो ESR जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी अगर आप में तो उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। और ESR कम किस में मिलता है? तो ESR कम मिलता है हमें खून के रोगों में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ओके, अगर आप में सिकल सेल एनीमिया है तो आप में ESR कम मिल सकता है। सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या? तो जो खून की रक्त कणिका है वो ऐसे सिकल आकार की बन जाती है, सिकल जैसे बन जाती है, तो उसमें भी यहाँ पे ESR है वो कम मिल सकता है। उसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि स्पैरोसाइट्स, स्पैरोसाइटोसिस, मतलब उसमें क्या रहता है स्पैरोसाइटोसिस में? तो स्पैरोसाइटोसिस में जो खून की रक्त कणिका है वो ऐसे स्पैर गोल बन जाती है, तो उसमें भी यहाँ पे हमें ESR कम मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब कि जो श्वेत कणिकाएँ हैं उनकी उनके नंबर बढ़ जाना, जैसे कि ल्यूकेमिया जैसा ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया में क्या रहता है कि ऐसे जो सफ़ेद कणिकाएँ हैं उनकी एबनॉर्मली उनका नंबर जाता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हमें ESR का लेवल जो है वो कम मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलर की कंडीशन में भी, अगर हार्ट फेल हो गया है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हमें ESR कम मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो पॉलीसाइथेमिया वेरा, मतलब कि ये एक इसमें क्या रहता है कि खून की जो रक्त कणिका है उनका उनका नंबर बढ़ जाता है, खून की रक्त कणिका का नंबर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो खून है वो घट बन जाता है, ठीक बन जाता है, और उसकी वजह से क्लॉट रह सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हमें जो ESR होता है वो कम मिल सकता है। आई होप आपको ESR के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।